वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 2 के लिए हिंदी व्याकरण का भाषा टॉपिक लेकर आई हूँ। भाषा क्या है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और समझने का साधन भाषा है। मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और समझने का साधन भाषा है। अर्थ, हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है और दूसरों के विचारों को जानना भाषा के द्वारा ही संभव है। अर्थात इस परिभाषा का मतलब हमें ये समझना है कि हम जब कोई बात कहते हैं या किसी की बात को समझते हैं तो उसके लिए जो साधन है वह भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, मौखिक जिसे हम कहते हैं बोलकर, हम जो कुछ बोलते हैं वह मौखिक भाषा है, जैसे फ़ोन पर बात करना, भाषण देना। इसी तरह भाषा का दूसरा रूप है लिखित। लिखित का मतलब लिखकर, हम जो कुछ लिखे हैं या पढ़ते हैं वह लिखित भाषा है, ये भाषा का स्थायी रूप होता है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक को हम बोलचाल की भाषा में बोलकर कहते हैं और लिखित को लिखकर। बोलने के लिए हम जब बोलते हैं जो भी बात, जैसे कि हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वाद विवाद है, तो ये सारे मौखिक रूप हैं। और लिखित रूप वे होते हैं जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखित भाषा का स्थायी रूप है, भाषा का स्थायी रूप लिखित रूप कहलाता है। मैं इसी संदर्भ में आपको कुछ भाषा से संबंधित आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाए, समझी व लिखी जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मैंने आपको भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें बताई है कि भाषा क्या है। भाषा हमारे देश में भारत में अनेकों भाषाएँ बोली जाती है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भी दे रही हूँ। आपको अभ्यास कार्य में इन नीचे लिखे जो प्रश्न हैं वो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको आगे लिखा हुआ है। प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप हैं? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न 3 है, सही पर राइट और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। मैंने यहाँ पर आपको 1 से 4 भाषा से संबंधित कुछ सही और गलत टॉप लाइनें दी हैं। आपको इससे पढ़कर राइट और रॉन्ग लगाना है। जैसे पहला पॉइंट है मेरा, भाषा के 2 रूप हैं। दूसरा, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तीसरा, मौखिक भाषा का रूप स्थायी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। धन्यवाद।